गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सूरज स्कूल रेवाड़ी से हिंदी की अध्यापिका सरोज यादव आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कविता एक, जिसका नाम है पद और जिसके कवि का नाम है सूरदास, इसकी व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। तो बेटा, सबसे पहले इस कविता को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि पद क्या है। देखिए बेटा, सूरदास जी के तीन प्रमुख ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ है सूर सागर, साहित्य लहरी, और एक अन्य ग्रंथ का नाम है सूर सारावली। तो ये तीन सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ हैं, जिसमें से सूर सागर के प्रमुख ग्रंथ सूर सागर के भ्रमर गीत से चार पद लिए गए हैं। अब आप इस कविता की व्याख्या पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि ये कविता किस समय की है बेटा। तो देखिए, जब श्री कृष्ण ब्रज में रहते हुए गोपियों के साथ अपना समय व्यतीत करते थे, अर्थात रासलीला करते थे, तो वो मथुरा जाने के बाद वहाँ से स्वयं न लौटकर अपने मित्र, अपने सखा, अपने दोस्त उद्धव के जरिए, यानी उस उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास एक संदेश भेजते हैं। और वो संदेश कैसा था? वो योग साधना का संदेश था। ठीक है बेटा, तो देखेंगे, अब पहला पद पढ़ाएंगे हम। तो पहले पद में देखिए बेटा, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। देखिए, बड़ भागी मीन्स होता है भाग्यशाली या भाग्यवान। देखिए बेटा, जब श्री कृष्ण मथुरा जाते समय, यानी पहले ब्रज में रहते थे, ब्रज से जब मथुरा गए थे, गोपियों से वादा करके गए थे कि मैं वापस लौटकर जरूर आऊँगा, लेकिन यहाँ देखिए बेटा, श्री कृष्ण स्वयं ने लौटकर आकर के अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने सखा उद्धव को योग साधना का संदेश देकर भेज देते हैं। तो गोपियाँ उस निर्गुण ज्ञान के उपदेश को सुनकर गोपियों की विरह वेदना और भड़क जाती है। तो देखिए, वो उद्धव को उलाना देती हुई क्या कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। यानी गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत संहिता गाते नाहीन मन अनुरागी। अपरस का मतलब होता बेटा अछूता। कह रहे कि तुम तो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम के बंधन से सदा दूर रहे हो। नाहीन मन अनुरागी अर्थात तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबा ही नहीं। पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देहेन दागी। पुर इनी का मतलब होता है बेटा कमल, और पात मीन्स होता पत्ता, और तारस देहेन दागी, देह मीन्स होता शरीर, और दाग मीन्स होता है दाग या धब्बा। कह रहे कि तुम तो इस प्रकार से कर, जिस प्रकार कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है परंतु फिर भी उस पर पानी का दाग तक नहीं लगता, अर्थात उस पर जल की बूंद नहीं ठहरती। जो जल महातेल की गागरी बूंदन ताको लागी। देखिए बेटा, जिस प्रकार से तेल की मटकी को पानी में रख दिया जाए तो उस पर भी जल की एक बूंद नहीं ठहरती, अर्थात कमल के पत्ते और तेल की मटकी पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण के संगति में रहते हुए भी उनकी प्रेम का प्रभाव हे उद्धव तुम पर पड़ा ही नहीं। प्रीति नदी में पावन बोरो दृष्टि ने रूप परागी। बेटा, मैंने 9th क्लास में भी आपको करवाया था प्रीति नदी में पावन बोरो रूपक अलंकार, इसमें कि तुमने कभी भी बोरो में सोता रखना, तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव रखा ही नहीं, तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर भी उसमें नहीं उलझी, अर्थात तुम किसी के ऊपर भी मोहित नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। और अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी
कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिप्त हैं जिस प्रकार से चींटियां गुड़ पर लिपट जाती हैं और फिर उससे कभी नहीं छूट सकती, वही अपने प्राण त्याग देती है। देखिए बेटा अगला पद देखिए, मन की मन ही मांझ रही। इसमें बेटा मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधव नाही परत कही। इसमें बेटा वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार के दो भेद बताए थे हमने, संयोग और वियोग, तो ये वियोग श्रृंगार है। देखिए बेटा जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो गोपियों से कहकर गए थे कि मैं लौटकर अवश्य आऊँगा, लेकिन वह स्वयं ने लौट कर के अपने दोस्त उद्धव के हाथ योग साधना का संदेश भेज दिया, जिसके ऊपर गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारी श्री कृष्ण से मिलने की जो आशा थी वो मन की मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। हे उद्धव आप ही कहिए बताइए कि हम अपनी व्यथा को किससे जा कर के कहें। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिठा सही। हमने श्री कृष्ण की अवधि को आधार बना करके अपने तन मन से व्यथा को सहाता, व्यथा में सोता बेटा दुख तकलीफ पीड़ा। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी बिरहानी बिरह दही, बिरहानी बिरह दही में अनुप्रास अलंकार है और सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और कह रहे कि अब तुम्हारे द्वारा ये योग साधना का संदेश सुनकर हम विरह की अग्नि में दहक रही है, विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जित ही थे उत ते धार बही। कह रहे कि हम जिधर से भी बचने की कोशिश करती हैं उधर से ही यह विरह की आग और बढ़ जाती है। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर जादा ने लही। और अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव अब आप ही बताइए कि हम किस प्रकार से धैर्य धारण करें। जब श्री कृष्ण मर्यादा का मतलब होता है बेटा मर्यादा, कि जब श्री कृष्ण ने स्वयं मर्यादा का पालन नहीं किया तो अब आप ही बताइए हम किस प्रकार से धैर्य धारण करें। ठीक है बेटा, इसमें वियोग श्रृंगार रस है। अब जब कक्षा खुलेगी, स्कूल खुलेगा बेटा, तो हम एक एक पंक्ति का अलंकार रस सब कुछ बताएंगे। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।